बिहार यज्ञशाला मंदिर में पिछले 40 सालों से लगातार रामायण पाठ किया जा रहा है। अखंड दिया के साथ बजरंग बली, सीताराम और लक्ष्मण की मूर्ति के मंदिर तो परिसर में कई सारे हैं, लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि यहाँ पिछले 40 सालों से अखंड दिए के साथ बिना एक भी पल रुके रामायण पाठ निरंतर जारी है। भक्ति है इस मंदिर की, अनोखी कहानी क्या है इस कहानी की, इस दुनिया के लिए क्या अलग है? इसकी यही एक कहानी है कि पूरे विश्व में ये सबसे प्रथम मंदिर है जहाँ पर विश्व में अखंड रामायण पाठ और अखंड दीपक आज 40 वर्षों से वो जब अब कुछ उजलता आ रहा है। जैसे बुकिंग होता है कैसे लोग? ये बुकिंग जो है हमारे पूरे विश्व से श्रद्धालु यहाँ पर कई लोग आते हैं, यहाँ पर आकर अपना बाबा के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उसके बाद जिनको बुकिंग करानी होती है वो 1100 रुपया जमा करके अपना बुकिंग करवाते हैं। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं वो सच्चे मन से जो भी यहाँ पर अपनी अर्जी लगाते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वही मंदिर कमेटी की तरफ से इसके लिए बनारस से 5 पंडितों को विशेष रूप से रखा गया है। इसके साथ ही कोई भी पुरुष या महिला मंदिर कमेटी की अनुमति से रामायण पाठ में भाग ले सकता है। दरअसल 1982 में इस मंदिर में शुरू किए गए रामायण पाठ की कहानी भी बड़ी ही निराली है। मंदिर से जुड़े लोग कहते हैं कि मथुरा से आए एक बाबा जिसे लोग मोनी बाबा के नाम से जानते थे, वे यहाँ रामायण पाठ की शुरुआत किए थे। चर्चा यह है कि मोनी बाबा कभी जमीन पर बैठते ही नहीं थे, तब से शुरू हुए रामायण पाठ को कमेटी द्वारा अब भी जारी रखा गया है। ये रामायण पाठ 15/12/1982 से अखंड रामायण चालू है। ये 24 घंटे में एक रामायण पाठ पूरा होता है। सुबह 8 बजे आरती के बाद दूसरा पाठ चालू होता है और भगत लोग आगे आगे बुक कराते हैं, भगत के नाम पर ये पाठ चलता है। कब से शुरू हुआ है या कब तक अभी तक बुकिंग है? अभी 2029-2020 तक की, 23 तक की बुकिंग। कब से शुरू हुआ है ये? 15/12/1982। कैसे शुरू हुआ था, कहानी क्या है? ये एक महात्मा आए थे, उनका नाम था मुनी बाबा, वो उनने ये रामायण चालू किया, उसके बाद ये कमेटी ने इसको चालू ही रखा। किस भगवान का मंदिर था, कैसे मंदिर? बजरंग बली का था मंदिर, उसके बाद फिर मंदिर विकसित हुआ। कटिहार यज्ञशाला मंदिर में अब तो लगभग 2023 तक के लिए रामायण पाठ के लिए एडवांस बुकिंग हो चुकी है, जो आगे भी निरंतर जारी रहेगी। 1100 रुपए के दान रसीद पर देश विदेश के भक्त यहाँ 24 घंटे के लिए रामायण पाठ की बुकिंग करवाते हैं। कैसे होता है रामायण? बहुत सी ऐसी बात है, विपद में आते हैं और मंदिर में जब मनोकामना पूरा हो जाए, यहाँ प्रणाम करने ले आते हैं या श्रद्धा लेके आते हैं, उनका मन को पूरा करते हैं बजरंगबली। बहुत सा ऐसा केस है। कहाँ कहाँ से लोग? ऑल इंडिया से आदमी आते हैं, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, सूरत, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, कहाँ पे? कैसे होता है बुकिंग, कैसे होता है? आते हैं अपने से रिश्तेदार के थ्रू या उनका कोई अपना परिवार है वो बुक करवाते हैं। कितने रुपये? 1100 रुपये बुक होती हैं 24 घंटे के लिए। अच्छा, ये अभी तक कब तक का बुकिंग है? अभी 2023 तक का, अगस्त तक का बुकिंग है, एडवांस बुकिंग। ये आपको अखंड दिया और अखंड दीप जल रहा है, शुद्ध घी से प्रसाद वितरण हो रही है, उसी में पंडित जी का तनख्वाह भी देना है, भोजन भी देना है। कितना पंडित जी है हमारे मंदिर में? 5 पंडित हैं, अभी 4 पंडित हैं, 1 पंडित गए हैं बाहर, 5 पंडित हैं। बाहर के लोग भी इसमें भाग लेते हैं? हाँ, पढ़ने के लिए आते हैं, शिक्षा से आधा घंटा, 10 मिनट 20 मिनट जिस भी पढ़ना होता है पढ़ते हैं, और उतरने के पहले वह आवाज़ देते हैं या उसका हॉर्न बजाते हैं तो आके पंडित जी बैठ जाते हैं। क्या लगता है प्रदेश भर में ऐसा कहीं नहीं हुआ है, आज तक रामायण नहीं हुआ। कटिहार से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।